शोफिया के 50 गांवों को मिला खेल का मैदान। निदेशक ग्रामीण विकास विभाग RDD कश्मीर तारिक अहमद जरगर ने आज शोफिया जिले के केलार ब्लॉक का दौरा किया। उनके साथ सहायक आयुक्त विकास शोफिया हिलाल अहमद, BDO तारिक अहमद, DDC सदस्य और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह स्थानीय लोगों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस दौरान स्थानीय लोग बहुत खुश नजर आए क्योंकि उनकी लंबे समय की मांग पूरी हो गई थी। साथ ही एक उद्घाटन मैच भी खेला गया। खिलाड़ियों ने ग्रामीण विकास निदेशक और उनके स्टाफ को मैदान उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया। निदेशक ने यह भी कहा कि शोफिया जिले में खिलाड़ियों के लिए खेल का मैदान बनाए गए हैं ताकि हर खिलाड़ी को अपना हुनर दिखाने का मौका मिले। देखें पूरी खबर विस्तार से। ABD न्यूज के लिए संवाददाता मीर सज्जाद की यह रिपोर्ट। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा फोकस जो है, गवर्नमेंट का फोकस इस वक्त है कि हर पंचायत हल्के में एक प्ले फील्ड बनना चाहिए ताकि जो यूथ है वो उसके साथ एंगेज हो जाए। तो इस सिलसिले में इस डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे 100 के आसपास प्ले फील्ड्स इस साल या तो डेवलप हो रहे हैं या डेवलप कुछ उसमें से ऑलरेडी कंप्लीट भी हो गए हैं। तो ये हमारा फोकस एरिया इसमें रहेगा। इसके साथ साथ जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके तहत कुछ काम लिए हुए हैं, रायता सड़कें हैं और बाकी काम भी चल रहे हैं, तो वही जायज़ा लेने के लिए मैं यहाँ।